हेलो दोस्तों, रोजगार में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान। कुवैत में जाने वाले लोगों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है कि कुवैत ने 1 जनवरी 2021 से जो अब तक जो है बैन लगा रखा था, कुवैत ने अपने बॉर्डर्स को सील कर दिया था। अब वो अपने बॉर्डर्स ओपन करने जा रहा है। कुवैत ने जो सी पोर्ट है, लैंड है, एयर है, इन सारे रास्ते को खोलने का प्लान कर लिया है। जो लोग कुवैत जाना चाह रहे हैं, अब वो डायरेक्ट फ्लाइट से कुवैत जा सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपके यहाँ से फ्लाइट चालू होनी चाहिए, क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि किसी भी कंट्री में जहाँ पे कुवैत ने बैन नहीं लगा रखा था, उन कंट्रीज से आप कुवैत जा सकते थे, लेकिन वहाँ पे जाके आपको 14 दिन क्वारंटाइन होना था। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ, इंडिया से लेके आपको दुबई जाके वहाँ पे 14 दिन क्वारंटाइन होने के बाद में कुवैत जाना पड़ता था। अब क्या होगा कि अगर इंडिया से फ्लाइट चालू होती हैं तो आप डायरेक्ट कुवैत जा पाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि अभी फिलहाल, जैसे कि आपको बता दूं, लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एक सर्कुलर आया है, जिसमें ये बताया गया है कि इंडिया में जो फ्लाइट्स बैन की गई थी, मीन्स की 31 दिसंबर तक, जो कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था और बहुत सारे वीडियो से मैं लगातार 3 महीने से बताता आ रहा हूँ कि अभी इंडिया में हो सकता है कि फ्लाइट्स नहीं ओपन होंगी, क्योंकि ये न्यूज़ बहुत पहले की 3 महीने पहले की, सिविल एविएशन मिनिस्टर ने भी कहा था कि हो सकता है मार्च और अप्रैल 2021 तक हम फ्लाइट ओपन ना करें। और यही हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि लगातार फ्लाइट बढ़ी जा रही है इंडिया की। और आज फिर से एक न्यूज आई है कि इंडिया ने अपनी जो फ्लाइट थी बैन एक्सटेंड कर दिया है, इसलिए कि अभी आपको बता दें कि यूके से न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस के जो पेशेंट हैं, उसमें 6 लोगों को आइसोलेट किया गया है। उस पे से जो पेशेंट हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं, और ये आपको बता दें कि 70 गुना ज़्यादा इन्फेक्शस वायरस है, ये कोविड का ही पार्ट जिसको न्यू स्ट्रेन बोला जा रहा है। तो इस तरह के जो केसेस यूके से आए हैं, उसकी वजह से भी शायद अभी फिलहाल 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि यूके के लिए 31 दिसंबर तक जो फ्लाइट्स थी वो बैन कर दी गई थी। अब जैसे कि आपको बता दें कि 1 महीने के लिए फिर से अनाउंसमेंट हो गया, हालांकि सिविल एविएशन की तरफ से ऐसा कोई सर्कुलर अभी तक नहीं आया, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से कहा गया कि जो पुरानी गाइडलाइंस थी उसी को एक्सटेंड कर दिया गया है। मीन्स कि अभी जो फ्लाइट जैसी तैसी थी वैसे ही रहेंगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक एयर बबल के थ्रू और वंदे भारत मिशन के थ्रू लोगों का आना जाना बना हुआ था। 24 कंट्रीज में हमारा एयर बबल का सिस्टम अरेंजमेंट हुआ है, और अब गुड न्यूज आने वाली है। जो लोग सऊदी का इंतजार कर रहे थे, मैं आपको बता दूं कि सिविल एविएशन की तरफ से एक न्यूज आई है। टाइम्स नाउ ने ये न्यूज निकाली है कि इंडिया का जो अग्रीमेंट है, जो बहुत बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे कि सऊदी अरब से कब होगा, तो सिंगापुर और सऊदी अरब से भी इंडिया का अग्रीमेंट होने वाला है, और ये बहुत ही जल्दी आपके पास खबर आने वाली है। और अगर एयर बबल अग्रीमेंट सऊदी अरब से हो जाता है तो आपके लिए एक बड़ी सुविधा होगी और एक बड़ी खुशखबरी होगी कि सऊदी अरब का जो वेट कर रहे थे, अब उन लोगों को फिर दुबई से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट इंडिया से सऊदी अरब जाएंगे। लेकिन शर्त और कंडीशन सीधे सीधे यही आती हैं कि इंडिया को भी फ्लाइट चालू करना होगा। अभी नॉर्मल फ्लाइट जैसे कि आपको पता है कि चालू नहीं है, तो जो फ्लाइट होंगी वो एयर बबल अग्रीमेंट के थ्रू ही लोग आएंगे जाएंगे सऊदी अरब। कुवैत ने और सऊदी अरब ने बॉर्डर सील किए हुए थे। कुवैत ने अपने बॉर्डर ओपन करने का प्लान इसलिए किया है कि जो न्यू स्ट्रेन कोरोना वायरस है उसकी जांच हुई है, और अभी तक वहां से आने वाले लोगों में किसी को पॉजिटिव नहीं पाया गया है न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस में। तो इसलिए कुवैत ने अपने बॉर्डर खोलने का ऐलान कर दिया है। तो सऊदी अरब ने भी अपने बॉर्डर सील किए थे इसी डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि यूके से आने वाले लोगों के थ्रू उनके यहाँ पे भी वो वायरस फैल जाए। तो फिलहाल अभी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में अगर कोई इस तरह की खबर आती है, तो जैसे इंडिया ने बैन एक्सटेंड कर दिया है, तो हो सकता है सऊदी अरब भी बैन को एक्सटेंड कर दे। बहुत ज़्यादा लोग इस बात को इधर उधर शेयर कर रहे हैं कि सऊदी अरब ओपन करने वाला है फ्लाइट। तो एक्चुअल में जो न्यूज़ है वो ये है कि सऊदी अरब को और सिविल एविएशन जो हिंदुस्तान इंडिया का है, वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, अभी जो खबर आई है इंडियन सिविल एविएशन की तरफ से वो यही है कि एयर बबल की बातचीत चल रही है, अभी एयर बबल अग्रीमेंट हुआ नहीं है। ये सारी सिचुएशन को देख के अब सवाल ये खड़ा होता है कि इंडिया की फ्लाइट जो एक्सटेंड की जा रही है, हर महीने एक्सटेंड की जा रही है 1 महीने के लिए, लेकिन वंदे भारत मिशन के थ्रू लोगों का आना जाना बना हुआ है। सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट करके, और इवन वो ट्वीट करते रहते हैं, हर बात की जानकारी देते रहते हैं, 4.2 मिलियन लोगों को उन्होंने सुविधा दी है
कि जिससे लोगों को अपनी कंट्री पहुंचाया जा चुका है। 4.2 मिलियन मतलब 42 लाख लोगों को आने जाने की सुविधा वो दे चुके हैं, लेकिन अगर वो फ्लाइट्स आ रही हैं जा रही हैं तो उसमें भी पैसेंजर्स आ रहे हैं और पैसेंजर्स जा रहे हैं, लेकिन नॉर्मल फ्लाइट्स को स्टार्ट नहीं किया जा रहा है। अगर नॉर्मल फ्लाइट्स को भी स्टार्ट कर दिया जाए तो उस पर भी कुछ प्रिकॉशंस और गाइडलाइंस के साथ में वो फ्लाइट चालू हो सकती हैं और उन फ्लाइट से लोगों का आना जाना हो सकता है, ताकि लोग उन कंट्रीज में जा सकें जहाँ पे ओपन है बॉर्डर, जहाँ पे वो फ्लाइट चालू है, जहाँ पे लोग वेलकम कर रहे हैं पैसेंजर्स का और टूरिस्ट का। जैसे कि आपको पता है कि दुबई में अभी एयर बबल एग्रीमेंट चालू है, दुबई ने खोल भी दिया है फ्लाइट्स, तो वहाँ पे लोग टूरिस्ट भी जा रहे हैं, टूरिस्ट वीज़ा लेके जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि वहाँ पे जाने के बाद में जो लोग बाहर से आ रहे हैं और दुबई में फंस गए हैं, जैसे कि आपको पता है कि अभी 40 से ज़्यादा कंट्रीज ने यूके को बैन कर दिया है, तो इससे बॉर्डर क्लोज कर दिए हैं बहुत सारे लोगों ने, वो चाहे दुबई के लिए हो, चाहे सऊदी के लिए, चाहे इंडिया के लिए, तो इसकी वजह से लोग कई जगह फंस गए हैं और कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो दुबई में फंस गए हैं। तो इंडिया से नॉर्मल फ्लाइट अगर चालू हो जाती है तो शायद ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी उन लोगों के लिए जो वेट कर रहे हैं, और एयर बबल और वंदे भारत मिशन के थ्रू अगर लोगों का आना जाना हो सकता है तो नॉर्मल फ्लाइट में भी प्रिकॉशन और गाइडलाइंस जारी करके लोगों को भेजा जा सकता है और बुलाया जा सकता है। तो फिलहाल 1 जनवरी 2021 से कुवैत अपने बॉर्डर ओपन करने जा रहा है उन सभी लोगों के लिए जो एक्सपैट्स वर्कर हैं या बाहर से आने वाले लोग हैं, उन सभी लोगों के लिए। लेकिन सऊदी ने अभी खोला नहीं, एयर बबल अग्रीमेंट भी होने वाला है सऊदी का। अगर एयर बबल अग्रीमेंट हो जाता है तो हो सकता है इंडिया से सऊदी में आने जाना फ्लाइट चालू हो जाए। तो आपके अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट जरूर करिए, हम आपको आंसर करेंगे। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में नोटिफिकेशन बेल है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि आगे वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, टेक केयर, जय हिंद।